एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम 2 पॉइंट लाइन टूल से। यहाँ पे आपको मिलेगा ये, ठीक है। आपने लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है इसको, ठीक है। और ये देखिए लाइन को अगर स्ट्रेट करना आपने तो शिफ्ट की आपने होल्ड करनी है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। सर काइंडली रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं आया। ये देखिए आपके पास यहाँ पे टूल है 2 पॉइंट लाइन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना आपने जी सर, और एक लाइन ड्रॉ करनी है हाँ जी, जहाँ पे आपका एंड पॉइंट होगा लाइन का, वहाँ तक आपने लेके जाना है इसको कर्सर को, और वहाँ पे जाके इसको ड्रॉप कर देना है। माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको रिलीज कर देंगे, लेफ्ट बटन को। और ये देखें लाइन को स्ट्रेट करने के लिए आपने शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है। अब ओके। आप इस लाइन में कर्व भी कर सकते हैं इसको। उसके लिए हम शेप टूल लेते हैं। अच्छा, लाइन की जो थिकनेस है ये, या आउटलाइन जो है उसको इंक्रीज करने के लिए आपने यहां से आके उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है आपने। ये देखें, अगर कोई हमारे पास शेप है, इसकी आउटलाइन को अगर हम थिक करना चाह रहे हैं, इस तरह करके कर सकते हैं, और कलर उसी तरह देंगे आउटलाइन को, जो कलर अप्लाई करना उस पे लेफ्ट राइट क्लिक कर देंगे। फिर अगर यहाँ से आके इसको नन कर देंगे तो आउटलाइन उसकी रिमूव कर देगा, तो जो फिल है वो रह जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर आके राइट क्लिक करेंगे वो आउटलाइन को रिमूव कर देगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ भी आपने लाइन पे आना। अब इस लाइन को अगर आपने कर्व करना है, उसके लिए हमारे पास ये शेप टूल है। यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसको, या आप F10 प्रेस करें कीबोर्ड से, तो ये वो लाइन को इस तरह की नॉड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको जिस पॉइंट पे भी कर्व चाहिए, वहाँ पे आपने नॉड इंसर्ट कर लेनी है। नॉड आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं यहाँ से ऐड। फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी नॉड इंसर्ट कर देगा वो। अब नॉड रिमूव करने के लिए भी डबल क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह करके नॉड्स रिमूव करता जाएगा। यहाँ पे सर एक बार आके दोबारा बताइएगा प्लीज, नोट्स कैसे लिए आपने? ये देखें, आपके पास लाइन है, या किसी भी उस पे लाइन पे आपने अगर नॉड इंसर्ट करनी है कहीं भी डिज़ाइन में, उसके लिए सिंपल उसको पहले शेप टू लेके और फिर उसके बाद नॉड इंसर्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे नॉड इंसर्ट करनी है वहाँ पे आपने डबल क्लिक कर देना है, या फिर वहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लेना है। और फिर तीसरा तरीका है कि यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी बार में ये ऐड और रिमूव नॉड की बटन हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ नॉड एक, तो मैं यहाँ पे आके प्रॉपर्टी बार से इस बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये नॉट इंसर्ट होगी एक। इस तरह करके जो है आप कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर लाइन को। अब देखिए, अगर स्मूथ कर्व में इसको करना है तो यहाँ पे आके किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे टू कर्व, ठीक है, टू कर्व कर देगा तो वो इस तरह करके राउंड कर्व में उसको कन्वर्ट कर देगा। दूसरा तरीका क्या था इसका, कि यहाँ पे आके सिंपल क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आके भाई ये वाला बटन है, पहले एक काम मुझे याद आ गया कि मैं आपको कीबोर्ड का लिंक देता हूँ, ये बटन उसका है, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो भी नंबर मैंने एक मीटर के साथ है।
कर्व में उसको कन्वर्ट कर देगा इस तरह। ये दो नोड्स रिमूव अगर कर दें देखिए, अगर कर्व में आपके पास मौजूद है लाइन तो उसको स्ट्रेट में कन्वर्ट करना, तो ये है कन्वर्ट टू लाइन, वो उसको लाइन में कन्वर्ट कर देगा। ओके सर। इसी तरह देखें अब अच्छा, उसके बाद है क्लोज कर्व, ये आपके कर्व को क्लोज पाथ में कन्वर्ट कर देता है। F10 प्रेस करके इसको हमने शेप टूल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये बटन है हमारे पास कर्व को स्मूथ करने के लिए, और ये है सिमेट्रिकल नोड्स के लिए। मतलब आपकी जो एक नोड के पास से कर्व है उसको स्मूथ करते थे दोनों हैंडल्स को उसके। अच्छा, उसके बाद है आपके पास ये बटन है कस्ट नॉड्स। इस ये देखें, अब ये इस हैंडल से जब हम इस नॉड को मूव करते हैं तो ये वाला हैंडल भी मूव करता है, और ये अगर यहाँ से मूव करेंगे तो ये दूसरे वाला हैंडल भी मूव करता है। तो इसको हम अगर कस्ट नॉड कर देंगे फिर एक हैंडल ही मूव करेगा, दूसरे वाला हैंडल मूव नहीं करता। इसी तरह यहाँ से करेंगे तो ये स्टिल रहेगा, और इधर से करेंगे तो राइट वाला स्टिल रहेगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ये जो बटन हैं ये नॉड्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये नॉड्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। देखें, ये इसकी डायरेक्शन इस वक्त अपवर्ड है, उसको डाउनवर्ड कर देगा। और ये बटन भी क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर, नोड्स को या कर्व्स को? नोड्स को। उसके बाद ये है इलास्टिक मोड में कन्वर्ट कर देता है नोड्स को।
और ये बटन से आप सारी नोट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही वक्त में। उसके बाद यहाँ से आके आप नोट को रिड्यूस कर सकते हैं, नोट्स को अच्छा यहाँ से जो नंबर ऑफ नोड्स हैं उनको आप कम करके अपनी जो कर्व है उसको स्मूथ कर सकते हैं। सर कैसे? ये देखिए यहाँ से नोड्स को रिमूव करेंगे आप डबल क्लिक से भी कर सकते हैं और डबल क्लिक से करते जाएंगे वो स्मूथ करता जाएगा उसको। ये देखिए यहाँ पे नॉट थी उसको डबल क्लिक करके रिमूव किया तो वो स्मूथ कर दिया उसने उसको। इसी तरह यहाँ से आप रिमूव करते जाएंगे वो राउंड शेप में उसको कन्वर्ट करता जाएगा। अच्छा ये बटन जो है वो लाइंस ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पैरेलल लाइंस। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास एक बार ओपन हो जाएगी। यहाँ से उसकी विड्थ आपने बतानी है लाइन की। यहाँ इसे आपने बताना कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी होनी चाहिए जो कि आप कॉपी करना चाहते हैं। ये देखिए इस तरह करके कॉपीज जनरेट करता जाएगा। अगर अपवर्ड करनी है फिर आप इस बटन पे क्लिक करें और अपवर्ड वो लाइन ड्रॉ कर देगा। इसी तरह अगर वर्टिकल लाइन है तो वो लेफ्ट और राइट पे उसके लाइंस इंसर्ट कर देगा। आपको ऑप्शन नजर आएंगे।
ये देखिए एक लाइन मैंने ड्रॉ की और यहाँ से नंबर ऑफ लाइन जो कॉपी करनी थी उसको मैंने 3 कर दी, तो उसने डायरेक्ट जो है वो 4 लाइंस इंसर्ट कर दी इधर। क्लियर है यहाँ तक? इसी दिन अब अगर पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं एक हम, यहाँ से इसकी नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर देंगे। अब शेप टूल में कन्वर्ट कर देंगे इसको, और यहाँ से आप किसी भी नोड को ड्रैग करके जब उसको मूव करेंगे तो इस तरह करके वो एक डिज़ाइन आपको बना देगा। इसमें आप नोड्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, मज़ीद रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए स्टार, देखिए आपने यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेना है या वाई क्लिक कर दें, प्रेस कर दें कीबोर्ड से, या यहाँ पे आके आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें इसको, यहाँ पे आपने सिंपल ड्रॉ करना है इसको। यहाँ पे अभी इसकी नंबर ऑफ साइड जो है वो 3 है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे थे हम कल, इस वजह से इसको हम 5 कर देते हैं या 6, 5 कर देते हैं। अब हम शेप टूल लेंगे Fn से, या ये जो सेकंड वाला टूल है हमारे पास, उसके बाद ये देखें शेप टूल लेंगे जब, तो वो नॉड्स शो करेगा इसकी। अब यहाँ से हम किसी भी नॉड से इसको होल्ड करके ड्रैग करेंगे जब, तो वो इस तरह करके शेप में इसको कन्वर्ट करता जाएगा। अब आप इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन ये फिल होगा इंटरेक्टिव फिल टूल से, ठीक है? ये जो सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको इसके, ये इंटरेक्टिव फिल टूल से होंगे। आपने तो डायरेक्ट कलर अप्लाई किया इसके ऊपर? हाँ जी डायरेक्ट किया, लेकिन ये जो वाइट वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल से करेंगे। यहाँ फिर से F10 प्रेस करते हैं, शेप टूल ले लेंगे, और एक नॉड मैंने इंसर्ट किया खुद से, तो इस तरह की एक शेप क्रिएट हो गई है। इसके बाद ये आपके पास टूल्स हैं, स्पाइरल, स्टार, कॉमन शेप्स, ये आप ड्रॉ करके देखिएगा खुद। ठीक है सर, ओके ओके। अच्छा देखें, इसके बाद हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसको फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्रॉप टूल सिंपल अप्लाई करना है, एक और शेप इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अब अगर आपने इनको क्रॉप करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये बटन है क्रॉप का, और क्रॉप किस तरह करते हैं कि जो एरिया आपको नहीं चाहिए डिज़ाइन का उसको हम सिलेक्ट नहीं करते, और जितना एरिया हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से
सिर्फ वो हमारे पास रह जाता है बाद में, उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद आपने इसको यहाँ से एडजस्ट कर लें अगर ज़रूरत है तो, वरना आप एंटर की सिंपल प्रेस कर दें वो आपको क्रॉप कर देगा। इस तरह करके क्रॉप कर देगा, बाकी जो आपकी सिलेक्शन से एरिया बाहर निकल गया है उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद है हमारे पास नाइफ टूल। नाइफ टूल क्या करता है कि सिंपल जो है वो कट कर देता है, ये देखिए इस तरह करके अप्लाई करना नाइफ टूल। जहां से कट करना स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करें और माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके एंड पॉइंट पे क्लिक करें। एक क्वेश्चन है जी सर, ये तो डायग्राम मीन ये पिक्स बड़ी सिंपल सिंपल सी है, कुछ डिफिकल्ट भी होती है जिनके छोटे छोटे पार्ट्स आपने बीच में से रिमूव करने हो, उनको कैसे करेंगे? अभी देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखें, ये इस तरह करके कट हो जाएगा। उसके बाद इरेजर टूल है, वो सिंपल आपको पता है कि रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आप कह रही हैं उसको वर्चुअल सेगमेंट टूल से भी कर सकते हैं। कोई कंबाइन शेप्स हैं अगर आपके पास, ये देखें अच्छा। उसके बाद ये देखें, वर्चुअल सेगमेंट टूल है हमारे पास। अब ये डिफरेंट सेगमेंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं आपके डिज़ाइन के, इसमें अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको अगर रिमूव करना सिंपल इसके ऊपर आके ऐसे क्लिक कर दें या फिर इस तरह करके ड्रैग कर दें जिसको रिमूव करना है। इस तरह करके आप रिमूव करते नहीं उसको। इसी तरह आप यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए, इसमें से अगर किसी सेगमेंट को रिमूव करना है उसको भी कर सकते हैं। इसको कर देते हैं जो बाहर वाला है। इस तरह करके काम करता है वर्चुअल सेगमेंट टू। क्लियर है यहाँ तक सब? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की जो शॉर्ट की है वो है F8। F8
फेड प्रेस करेंगे यहाँ से, फिर आपने जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है जहाँ पे, वहाँ पे आके पहले क्लिक करेंगे और इस तरह करके टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट लिखने के बाद उसी तरह ऑब्जेक्ट की तरह उसको आपने साइज वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज करना है। फिर दूसरा आपके पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बार पे बटन्स हैं टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, जो यहाँ से फॉन्ट वगैरह उसका चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फेस या फॉन्ट स्टाइल वगैरह, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। फिर बोल्ड करना, उसको टैलिसाइज करना या अंडरलाइन करना, वो सब भी कर सकते हैं। ये सिंपल उसकी अलाइनमेंट है आपके टेक्स्ट की। और ये बुलेट अप्लाई करने के लिए, लिस्ट अप्लाई करने के लिए, ड्रॉप कैप के लिए ये बटन, बाकी ये दोनों अलाइनमेंट से रिलेटेड है। सर ये लास्ट जो आपने तीनों बताए थोड़ा सा इनके बीच कर सकते हैं? कौन सा रिपीट कीजिएगा? आपने लास्ट तीन स्टेप्स बताए हैं अलाइनमेंट के बारे में, आपने कहा कि एक एम के बारे में है और एक आपने जी जी अच्छा। ये तो सिंपल बोल्ड करने के लिए, उसको टैलिसाइज करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, ये अलाइनमेंट है आपके टेक्स्ट की, मतलब आपका टेक्स्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस करना चाहिए ऑब्जेक्ट में, लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई, ये उसी तरह सेम ऑप्शन जैसे कि आपको वर्ड में मिलते हैं। yes, sir. और ये सिंपल बुलेट्स वगैरह अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट टूल लिया था हमने, F8 इसकी शॉर्ट की है, और फिर आपने जहाँ पे भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे पहले और टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे अपना। उसके बाद अगर चेंज करना है फॉन्ट को आपने, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अरे ये न्यू स्टूडेंट के लिए है, हमारे लिए नहीं है? नहीं उसके बाद सर मैं समझा कि हमारे लिए है, सॉरी सर। अच्छा उसके बाद उसका वो फॉन्ट साइज वगैरह वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें उर्दू में भी लिख सकते हैं, अगर उर्दू में कुछ टाइप करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। टास्क बार नजर आ रही है मेरे सिस्टम की? यहाँ पे देखिए मेरे पास टास्क बार में ऑप्शन है लैंग्वेज का, वो इस वजह से शो कर रहा है कि मैंने फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड किया हुआ था। यहाँ से मैं जाके लैंग्वेज चेंज करूँगा, उर्दू सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे उसी तरह जहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना वहाँ पे आके कर्सर को प्लेस करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। करके हम उर्दू लिख सकते हैं इसमें। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने सिस्टम में फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करना है, ठीक है? वो जो फोनेटिक कीबोर्ड, वो फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड जब आप कर लेंगे उसमें आपको फिर यहाँ पे टास्क बार पे ऑप्शन देगा लैंग्वेज के,
इंग्लिश एंड उर्दू, उसको फिर आपने सिंपल इंग्लिश में सेलेक्ट कर, उर्दू में सेलेक्ट कर लेना है लैंग्वेज को। सर आपके तो नहीं इधर आ रहा ऑप्शन, ये मेरी टास्क बार शो कर रहा है आपको, नहीं शो हो रही है। ठीक है, अच्छा जी देखें, ये आपको टास्क पर शो कर रहा है अब यहाँ पे, ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ना आपको लैंग्वेज का इंग्लिश, ये फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करने के बाद आपको सिस्टम पे शो करेगा, यहाँ से फिर आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास, उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे तो वो उर्दू लिखना शुरू कर देगा, और फिर आपको दूसरा क्या काम क्या करना है, फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करने के बाद फॉन्ट्स डाउनलोड कर लेने हैं आपने। ठीक है, वो उर्दू फॉन्ट्स आप डाउनलोड करेंगे वो भी एक जिप फाइल में आपको मिलेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना आपने कहीं भी एक फोल्डर में। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से आप माय कंप्यूटर में आएंगे, या दिस पीसी, और सी ड्राइव में आके विंडो वाले फोल्डर में आएंगे, यहाँ से आपको फॉन्ट वाला फोल्डर मिलेगा ये। ठीक है, इस फोल्डर में आके आपने वो वाली जो जिप फाइल है उसको अनजिप करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह करके एक फॉन्ट शो कर रहे हैं उर्दू फॉन्ट। ये देखें, एक ऑब्जेक्ट लेंगे उसको फिल कर देंगे उसको, यहाँ से आके इसको ओपन कर लेंगे डॉकर को, ट्रांसफॉर्म को, या फिर ऑल्ट एफ सेवन से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना उसको कि जो कॉपी उसने जनरेट करनी है वो कहाँ पे उसने प्लेस करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर या एक्स एक्सिस पे। ये देखें, अभी 3 मिलीमीटर हमने उसको जो डिस्टेंस असाइन किया था उसने उसमें कॉपी जनरेट की, लेकिन वो ओवरलैप कर रही है, इसलिए यहाँ से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कर लेंगे। इस तरह करके आप डिस्टेंस को ज़्यादा करते हैं और एक पॉइंट आएगा कि वो दोनों जो लाइंस हैं या डिज़ाइन है दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो ओवरलैप नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आपको वाई एक्सिस में कॉपी चाहिए इसकी तो वाई एक्सिस में करेंगे, यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस कर लेते हैं, इस तरह करके वो कॉपी जनरेट कर देगा उसकी। क्लियर है, अब इस तरह से आपने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, उसमें हम रेक्टेंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, सर साइज बहुत छोटा लाइक बटन्स।
इसका साइज ट्रायंगल का है जी। जी अब नेक्स्ट क्या किया था आपने? सर आपका ट्रायंगल बहुत ज्यादा बड़ा है। मेरा जो ट्रायंगल था लाइक बटन क्लॉक में जो होते हैं 1 2 3 4 डिजिट्स लिखे होते हैं उसका साइज बाद में इसको डिजाइन करके इसको स्केल डाउन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है जी। कितना का था आपका? जी इतना। अच्छा तो नेक्स्ट आपने क्या टूल अप्लाई किया था इस पे? इसको टॉप पर रखा था। अच्छा ट्रायंगल को द सर्कल जी लाइक क्लॉक, मुझे क्लॉक की तरह तमाम वैल्यूज यानी के सर्कल सॉरी ट्रायंगल वहां चाहिए थी। क्लॉक की तरह मतलब आप इसी ट्रायंगल को रोटेट करना चाह रही हैं इस शेप के अंदर? जी सर इनसाइड ही इन सच अ शेप ऑफ अ क्लॉक वैल्यूज। नहीं नहीं सर जिस तरह हमारी वैल्यूज गिवन होती है ना 1 2 3 4 5 6 टिल 12 क्लॉक के इनसाइड, इसी तरह मुझे क्लॉक के अंदर ये ट्रायंगल उन्हीं पोजीशंस पर चाहिए। अच्छा सही। मतलब कि इस तरह जी इस तरह कह रही हैं आप? जी सर। अच्छा यहाँ से एक्स वाई एक्सिस की वैल्यू इस तरह हम मैनुअली जो प्लेस किया है इसको तो यहाँ से भी मिल सकती हैं आपको, वो वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं। सर किस तरफ वैल्यूज हैं इसकी दोबारा प्लीज बताइए। ये देखें ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज शो कर रही है वाई एक्सिस की यहाँ पे। जी इसको भी ट्राई किया था लेकिन जब हम माइनस वाई एक्सिस की वैल्यू पुट ऑन करते हैं माइनस में जी, तो वो इनसाइड की बजाय आउटसाइड चला जाता है। अच्छा उसमें आप एक्स एक्सिस की भी कोई ना कोई वैल्यू दे रही होंगी इस वजह से? बिल्कुल एक्स एक्सिस की भी वैल्यू जाती है उसमें। आप उसकी जो रिलेटिव पोजीशन वैल्यू है ना उसको अनचेक करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है आप लोग प्रैक्टिस करें अब इसकी।